नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय पांडे है। एक्वा फिल्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं तो आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी बड़ी जानकारियां देता रहूं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने आपको इस वीडियो में कैंपर दिखाया है, चिलर भी है, ये मशीन है। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि आज मैं आपको कैंपर से रिलेटेड बिजनेस की जानकारी देने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही बताया आपको, आप एकदम सही समझ रहे हैं। मैं आज आपको कैंपर से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा, पाउच मशीन की भी जानकारी दे दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है, अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप वाटर कैंपर का बिजनेस करें, आप इसमें सफल हों, तो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से लेकर बिजली के बिल से लेकर के मशीन की कॉस्टिंग से लेकर प्रॉफिट तक की सारी चीजें मैं आपको एक एक करके इसमें बताने जा रहा हूं। तो स्टार्टिंग करता हूं मैं प्लांट से। ये मेरा 2000 लीटर का आरओ प्लांट है, आप देख सकते हैं कितना ही वेल फर्निश्ड ये एक्वा फिल्टर कंपनी का आरओ प्लांट है। ये मेरी कंपनी में बनाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके फिल्टर्स हैं, ये उधर रहा वाटर पंप लगा है, ये इसका जो है डस्ट प्रिवेंटर फिल्टर होता है, इसको प्री फिल्टर कहते हैं। ये इसका हाई प्रेशर पंप है, ये इसका कंट्रोल पैनल है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये वाटर पाउच पैकिंग मशीन है। एक पाउच पैकिंग मशीन एक घंटे में 3500 पाउच पैक करती है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये कैंपर है, इनको भरने के लिए ये हमारा स्टील का चिलर है। ये चिलर की खासियत ये है कि आपको मैं बता दूं, 2 घंटे में 1000 लीटर पानी ठंडा कर देता है और 24 घंटे तक पानी को स्थिर ठंडा रखता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ठंडा रखता है, ठीक है सर। तो मैं आपको बता दूं, ये चिलर इस प्लांट से चलता है, ठीक है। ये प्लांट इसमें फिल्टर करके देता है, उसके बाद इस ठंडे पानी को ट्रैप द्वारा इस कैंपर में फिल कर लिया जाता है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं, इस प्लांट से फिल्टर होकर के ये पाउच पैकिंग मशीन ऑपरेट होती है, जिससे कि पाउच हमारे बनते हैं, ठीक है। अब मैं इनकी बात करूं तो पाउच मशीन की कीमत हो जाती है 1,40,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। प्लांट की ऐसी चीज होती है, ये तो 2000 लीटर का है, 1000 लीटर प्लांट आपका 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में बहुत वैरायटी में क्वालिटी वाइज वेरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं चिलर पे आ जाऊं, ये चिलर आपको 1,35,000 रुपए का पड़ने वाला है, जो कि 1000 लीटर का डीप फ्रीजर कहा जाता है, फुल स्टील में बना हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। अब मैं बात करूं कैंपर्स की, तो कैंपर ये जो रखे हुए हैं सामने, ये 450 रुपए के मार्केट में आते हैं, क्वालिटी वाइज डिफरेंस होता है। अगर आप प्लांट, चिलर, पाउच मशीन तीनों लगाना चाहते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपका 4 लाख के आसपास खर्चा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, 4-5 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन कराना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई इसमें ऐसा खर्चा नहीं है जिसमें आपको बहुत जगह हो। इसके अलावा आपका पूरा 1,500 स्क्वायर फीट, कम से कम 500 स्क्वायर फीट हो, तो आपका ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अब आ जाए प्रॉफिट पे। एक जार में आपकी लागत आती है मात्र 5 रुपए, जो कि आप मार्केट में इसको सप्लाई करते हैं 30 रुपीज 35 रुपीज का। और अगर आप बात करें कि इसमें प्रॉफिट कितना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पर डे 200 जार इसमें सप्लाई कर देते हैं, तो आपको आराम से 5 से 10 हजार रुपए की इसमें रोज की बचत है। देखिए, जैसे कि 1 जार पे आपका 2500 रुपए बचा, ठीक है, आपने 200 जार सप्लाई किए, दिन भर का 5000 हो गया, ठीक है। अब पाउच पे आ जाते हैं, पाउच की बोरियां 50 रुपए 60 रुपए की जाती हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 30 रुपीज़ आती है। 30 रुपए में आपकी पाउच मशीन, पाउच की एक बोरी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें 100 पाउच हमारे फिल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन मशीनों की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करें, मैं आपको व्हाट्सएप पर, कॉल पर रिप्लाई दूंगा। मेरा ऑफिस लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, कभी भी आप मुझे आकर के मीटिंग कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास मशीनें रेडी रहती हैं स्टॉक में, आप मुझसे फ़ोन पे बात करें। ऑल इंडिया हमारी डिलीवरी है, ऑफिस मेरा लखनऊ यूपी में, यहीं से ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेरा ऑल इंडिया माल सप्लाई होता है। और कोई आपको जानकारी चाहिए, तो मेरे नंबर मेंशन्ड है, आप इस पर कॉल करें, मैसेज करें। और बस इतना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।